नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीडी कैंपस पर। हाजिर है आज की करंट अफेयर्स के साथ। आज ताज़ा घटनाक्रम है जो न्यूज़पेपर की पॉजिटिव न्यूज़ है, वो जो न्यूज जो एक स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है वो डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर डिटेल से जानकारी लेंगे, सीखेंगे। साथ में कल का जो हमारा क्वेश्चन था वो भी इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से लास्ट में। और फिर आज का क्वेश्चन, जो रिप्लाई आप हर रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में देते हो वैसे ही आज भी दोगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। उससे पहले एक छोटा सा एक वाक्य देख लेते हैं, एक चीज जान लेते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। यही हर महापुरुष की सच्चाई है, यही हर उस व्यक्ति का जो सक्सेस के शिखर पर पहुंच चुका है उसका कहना है कि चलिए अकेले अकेले चलने का हौसला रखिए, किसी की सहारे की चिंता मत कीजिए, किसी की सहारे के लिए रुकिए मत, अकेले शुरू कीजिए, अकेले संघर्ष कीजिए। एक दिन पूरी दुनिया, पूरा काफिला आपके साथ जरूर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप भी मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, और ये मत सोचिए कि कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा। अकेले ही लड़िए, एक दिन पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में किसने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? राष्ट्रपति का चुनाव जो जीता वो दोबारा से वहां के जो राष्ट्रपति है, जो पहले भी थे, वही जिनका नाम था अशरफ गनी, उन्होंने ये जो चुनाव है इसको जीता है और दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं। अफगानिस्तान में अभी अभी चुनाव हुए थे। अफगानिस्तान जो है बहुत ही डिस्टर्ब कंट्री है आज के समय। भारत का पड़ोसी देश है, भारत की सीमा लगती है, 80 किलोमीटर की सीमा भारत की पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान के लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ डिस्टर्बेंस है तालिबान के कारण। अभी अभी तालिबान के साथ अमेरिका ने समझौता भी किया है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में शांति कायम होगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उबर के साथ समझौता किया है? उबर एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ऑनलाइन कैब बुकिंग एजेंसी है। उसके साथ कोई भी व्यक्ति ऐप के जरिए कैब बुक कर सकता है और बड़े शहरों में खूब चलती है। एक राज्य की पुलिस ने लोगों की सुरक्षा के लिए उबर के साथ समझौता किया है, एक एग्रीमेंट किया है। उसके आधार पर क्या है कि उबर और वो जो पुलिस है जिसकी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली की जो पुलिस है उसने उबर के साथ मिलकर नई एक पहल शुरू की है। वो क्या रहेगी? उबर एप्लीकेशन के साथ अब दिल्ली के यूजर्स को दिल्ली पुलिस की जो ऐप है हिम्मत ऐप, वो भी साथ में दिखाई देगी। और किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना के समय या किसी भी प्रकार की अनहोनी के समय व्यक्ति जो है उस ऐप को कंबाइंड रूप से यूज कर सकता है किसी भी समय। इससे क्या होगा कि लोगों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित होगी, जो ड्राइवर होगा और जो गाड़ी होगी उसकी रियल टाइम मूवमेंट जो है वो पुलिस को पता चल जाएगी। किसे भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? अभी अभी भारत में ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो राजदूत था उसको चेंज किया है और जो नए राजदूत आए हैं वो है बैरी ओफ्रेल। बैरी ओफ्रेल को भारत में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले थे हरिंदर सिंह सिद्धू, ये उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत के कौन से हवाई अड्डे ने सिंगल यूज प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज होता है उसके बाद फेंक दिया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा जो सपना है कि भारत को प्लास्टिक मुक्त किया जाए। ये प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जो प्लास्टिक होता है सिंगल यूज, जो पूरे भारत में खूब यूज किया जाता था, उसको हम यूज करके फेंक देते हैं। वो नालियों में कहीं ऐसी जगहों पे फंस जाता है जहां पर निकलने की जगह नहीं होती, फिर बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। अब भारत सरकार ने ये मूवमेंट बना लिया है कि भारत से सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है। उसी पहल में भारत का एक हवाई अड्डा है जिसने इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, और वो है भारत का IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, उसने इस सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में कहां पर कपड़ा मंत्रालय ने कलाकुंभ प्रदर्शनी का आयोजन किया? कपड़ा मंत्री कौन है पहले तो ये जान लेते हैं। पहले कपड़ा मंत्री हमारी स्मृति ईरानी है, जो आपको याद रखना है। दूसरा, कलाकुंभ प्रदर्शनी जो है उसकी शुरुआत की गई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है भारत को, भारत की संस्कृति जो है प्राचीन, उससे अवगत कराना, भारत के लोगों में जागरूकता फैलाना। किस जगह दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय खोला जाएगा? भारत का दक्षिण भारत का
पहला मुद्रा संग्रहालय होगा और ये खोला जाएगा दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े शहर बेंगलोर में। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, आपको पता है भारत का जो है आईटी हब है वहाँ, और बेंगलोर में ही अब पहला दक्षिण भारत का, उत्तर भारत में तो ऑलरेडी है, अब दक्षिण भारत में भी एक मुद्रा संग्रहालय होगा और वो होगा बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये हैं रामविलास पासवान। रामविलास पासवान ये आपको याद रखना है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है वो रामविलास पासवान है। इन्होंने इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया, कहाँ किया, गल्फ फूड 2020। गल्फ फूड 2020 जो है वो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, उस आयोजन में भारत का भी एक मंडप होगा जो भारत को रिप्रेजेंट करेगा और वो चल रहा है अभी दुबई में। दुबई में इस जगह पर भारत के जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है उन्होंने इसकी शुरुआत की। 16 से 20 फरवरी तक ये गल्फ फूड जो है ये चलेगा, कहाँ पर चलेगा, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसको इनोग्रेट किया गया था। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता? देखो ये जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत बड़े पुरस्कार हैं, पूरी दुनिया में सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। हर साल एक व्यक्ति को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, पहली बार ऐसा हुआ है कि दो व्यक्तियों को चुना गया है। एक तो थे मेसी जो बहुत बड़े फुटबॉलर हैं दुनिया के, एक तो ये थे इनको हर दुनिया जानती है, और दूसरे प्लेयर थे ये जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन, लेविस हैमिल्टन और साथ में मेसी जो है, इनको ये पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। ये था हमारा पिछली वीडियो का क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष स्वीकार किया गया, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम तिरंगे के नाम से जानते हैं वो कब स्वीकार किया गया, तो वो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, और हर साल 22 जुलाई का जो दिन है वो राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय झंडे के प्रारूप को अंगीकार स्वीकार किया गया था, उस समय की भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसने इसको स्वीकार किया था। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि इसके बारे में हमें कौन कौन सी चीजें जानना जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज कैसा है आपको पता है, ये जो हमारा झंडा है यहाँ अगर बात करें ये इसकी लंबाई है, अगर ये बात करें हम ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो होता है 3:2, 3:2, 3:2। भारत की राष्ट्रीय ध्वज जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, तीन रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच एक नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित है, ये वो चक्र है जो बीचों बीच बनाया गया है, इसकी चौड़ाई लगभग बीच की जो पट्टी है उसकी चौड़ाई के बराबर है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया उस समय, जो आज हमारे राष्ट्रपिता है उनके कहने उनके दिशा निर्देशों के आधार पर। इसे स्वतंत्रता के कुछ समय पहले, जैसा कि पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और इसे थोड़े से दिन पहले ही स्वतंत्रता से कुछ पहले 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान जो सभा थी उसने इसको स्वीकार किया था। इसमें तीन समान चौड़े रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं जिनमें सबसे ऊपर रंग केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है। दूसरी बात, ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है, ये मैंने आपको बताया था 3:2। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे रंग का एक, गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं या आरे हैं। पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो राष्ट्रीय ध्वज में हमारा चक्र है उसका रंग कैसा है, हल्का नीला, गहरा नीला, हरा, तो वो गहरा नीला रंग है जो कि बीचों बीच चक्र के रूप में होता है। इसमें 24 तिल्लियां हैं जो भारत की प्रगति का प्रतीक है कि भारत 24 घंटे प्रगति के पथ पर है। और ये जो लिया गया है ये लिया गया है अशोक स्तंभ से, उसके जो शीर्ष स्तंभ से वहां से लिया गया है। हमारा जो झंडा है वो एक बहुत बड़ा संदेश देता है और वो संदेश है आत्मरक्षा, शांति, समृद्धि और सदैव विकास की ओर हम अग्रसर हैं, ये हमारा झंडा जो है ये संदेश दुनिया को देता है। तो ये थी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में वो जानकारियां जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो है उनको कौन जारी करता है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा आज, इसका रिप्लाई आप मुझे दोगे। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, NNP, ISO, CSO, NSSO। कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, कल की वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। आज आप इसका रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
चलिए प्यारे दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर को यहीं समाप्त करते हैं, कल की करंट अफेयर्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।